जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल राइट सिंडिकेट में। मेरा नाम है राज। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ना आज। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ Realme 11 Pro Plus। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको केस कवर मिल जाता है, एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और कुछ पोथी पत्रा देखने को मिल जाते हैं। इसको रखते हैं साइड में, उसके नीचे आपको फोन देखने को मिल जाता है। फिलहाल में इसको रख देते हैं साइड में, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे पूरे वीडियो में। इसके नीचे आपको एक 100 वाट का चार्जर मिलता है विथ टाइप ए टू टाइप सी केबल के साथ में। तो चलिए सबको रखते हैं साइड में, बात करते हैं अपने फोन की। तो डिज़ाइन काफ़ी आपको प्रीमियम देखने को मिल जाता है। अगर डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी आपको तगड़ा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, लेदर फिनिशिंग के साथ में आता है। इंड हैंड फील भी काफ़ी आपको बढ़िया देखने को इसमें मिल जाती है। तो रियलमी वालों ने लुक वाइज काफ़ी इसको बढ़िया बनाया हुआ है। और इसके राइट साइड में आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, उसके ऊपर आपको वॉल्यूम बटन और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल टाइप सी पोर्ट माइक और एक सिम ट्रॉली मिल जाता है जिसमें आप 2 सिम कार्ड आराम से लगा सकते हो। मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। दूसरी साइड में एकदम क्लीन मिलता है और टॉप पे आपको एक सेकेंडरी माइक मिल जाता है और एक स्पीकर मिल जाता है। और इसमें फ्रंट में आपको एक कर्व डिस्प्ले मिलता है। कंपनी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन से गोरिल्ला ग्लास की इसमें प्रोटेक्शन दी हुई है, बट कंपनी की तरफ से आपको एक स्क्रीन कार्ड लगा हुआ मिल जाता है तो अच्छी बात है, स्क्रैच से थोड़ा सा बच जाएगा। बट मेरी सलाह एक ही रहेगी भाई कि आप इसमें अच्छी क्वालिटी का ग्लास जरूर कीजिए, सेफ्टी के तौर पर हो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस 120Hz वाला एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है और 950 निट्स की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो आउटडोर में भी काफ़ी विजुअल डिस्प्ले है, आप इसे आउटडोर में भी काफ़ी आसानी से यूज कर पाएंगे। डिस्प्ले की ब्राइटनेस से लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसका डिस्प्ले आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। कलर वगैरह भी काफ़ी आपको बढ़िया इसमें देखने को मिल जाते हैं। वाइड एवन 11 का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, तो नेटफ्लिक्स और अमेजन पर आप HD कंटेंट इन्जॉय कर सकते हैं। और यूट्यूब में आपको HDR का भी सपोर्ट मिलता है, बट यूट्यूब में उतना बढ़िया HDR प्ले नहीं हो पाता है। 4K का भी वही हाल है, 4K वीडियो भी आप इसमें प्ले करोगे तो वीडियो अटकने लगती है, लैग होने लगता है। तो अगर उससे थोड़ा सा क्वालिटी कम कर दोगे तो बढ़िया चलता है, तो मतलब 4K वीडियो भी उतना प्रॉपर ये सपोर्ट नहीं कर पाता है। उम्मीद करता हूँ शायद सॉफ्टवेयर के बाद इसे रियलमी वाले ठीक कर दे। इसमें आपको डुअल स्टोरेज स्पीकर भी दिया हुआ है तो साउंड की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को इसमें मिल जाती है। चलिए बात करते हैं इसमें परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको मीडियाटेक का 7050 प्रोसेसर देखने को मिलता है, LPDDR4S की आपको इसमें रैम मिल जाती है, UFS 3.1 का स्टोरेज मिल जाता है। तो डे टू डे यूज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसको यूज करने में, सारे काम आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इवन आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हो, हालांकि ये गेमिंग फोन नहीं है बट इसमें आप कैजुअल गेमिंग से थोड़ा सा बेटर गेमिंग इसमें कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है। और ये आता है एंड्रॉयड 13 के साथ में, जिसमें आपको रियलमी का UI 4 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हॉट गेम, हॉट एप्स, दुनिया भर के फालतू के एप्लीकेशन इसमें भर भर के दे दिए हैं रियलमी वालों ने। इसको क्लीन करने के लिए आप ऐप मार्केट में जाइए इसके रियलमी के, और वहाँ से जाके जितने भी नोटिफिकेशन सारे ऑन है सबको बंद कर दीजिए, और ऐप में जाके जो भी आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए वो भी जाके बंद कर दीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन फालतू के आपको आने नहीं चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा क्लीन इंश्योरेंस आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। और ये आता है 5G के साथ में, तो इसमें आपको 9 5G के बैंड भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे हाईलाइट इसके फीचर कैमरे के बारे में, जिसमें आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विथ OIS के साथ में, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है। इसी के फ्रंट और बैक कैमरे से मैंने कुछ फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको Realme 11 Pro Plus का कैमरा। और मैं इसके फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वॉइस भी इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए आपको आइडिया आ जाएगा कैसा इसका वॉइस है और कैसी इसकी क्लैरिटी है। इससे आप सिर्फ 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे से आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मैं वॉइस भी इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा रनिंग करके दिखा देता हूँ आपको। बाइक उधर खड़ी है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बैटरी की। इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, तो 7-8 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम तो मिल ही जाता है, बट अगर नॉर्मल यूज करेंगे तो आपको फुल डे का बैटरी पिकअप आराम से देखने को मिल जाता है। बैटरी पिकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको 100 वाट का चार्जर मिलता है, तो 30 मिनट के अंदर आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है, तो बैटरी पिकअप के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल इस फ़ोन की बात करो तो ठीक है फ़ोन, कर्व डिस्प्ले के साथ में थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है रियलमी वाले ने इस बार, तो ठीक है। अगर मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो ये फ़ोन अगर 25-26 के रेंज में मिलता तो काफ़ी बढ़िया रहता,
क्योंकि जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया 200 मेगापिक्सल कैमरा उतना तो बढ़िया परफॉर्म नहीं करता। 200 मेगापिक्सल सिर्फ नाम के लिए दे दिए हैं, उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता। 25,000 के अंदर आपको जो भी फ़ोन मिलते हैं उसके जैसा ही कैमरा आपको इसका भी देखने को मिल जाता है। तो 25,000 के अंदर ये फ़ोन मिलता तो काफ़ी बढ़िया डील थी, अदरवाइज़ आपके ऊपर है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अरे भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में फ़ोन ही गिर गया। चलो ड्रॉप टेस्ट भी हो गया, 4 फीट की हाइट से कुछ भी हुआ नहीं फ़ोन।